तो पीयूष ने अपना एक और दांत तोड़ दिया, एक कल तोड़ा था एक आज तोड़ दिया। भाई ऐसे तो उसे सारे टूट जाएंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है, पीयूष ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, बस एडिटिंग करानी है। तो फिलहाल आज हमको जाना है वही स्टूडियो देखने के लिए, स्टूडियो के लिए जगह देखने के लिए, तो वही जाएंगे। फिलहाल उठते हैं, रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। पीयूष को मैं पीछे देता हूँ सुबह सुबह अपने उठने से पहले 1-2 घंटे, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है बस, उसके बाद नहीं देता। उसके बाद पूरा दिन भर पीसी बंद ही रहता है या फिर उसमें एडिटिंग होती है बस। और मैंने कल रात को बैठ के पीयूष की ड्राइंग भी बनाई पेन से, जो कि ये है देखो, मतलब 3 घंटे लगे मुझे बनाने में। तो मैं रात को 4 बजे तक बनाई थी ये एडिटिंग करने के बाद। तो कमेंट करके बताने कैसी लग रही है। तो कैसी लग रही है? मस्त लग रही है। मस्त लग रही है ना। ये ओनली एक पेन से बनाई है मैंने, जो ये पेन मंगाए थे ना मैंने, सिर्फ एक पेन से बनाई है देखो। और भाई और क्या बिस्तर में अभी? मैं तो बिस्तर में, बहुत बिस्तर वाले ही भरा है भाई वहां। तो अभी गाइस ओरियो आ चुका है मेरे पास में। रात को मेरे साथ ओढ़ के, कंबल में ओढ़ के सोया था मेरे साथ। तो अभी गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं, दाल चावल अचार। अरे मम्मी ये क्यों दे रहे हो यार? नहीं दे रहा ना, तो खाता ही नहीं, तो क्यों दे रहे हो? नहीं खाता है ना, वैसे दे रही हूँ ना। नहीं खाता है वैसे दे रही हूँ, ये क्या बात हुई? तो अभी गाइस मैं बाहर आया, यहाँ पे देखा हमने इनोवा के ऊपर ना एक छोटी सी क्यूट सी बिल्ली बैठी हुई है, तो उसको देखते हैं। वैसे भाग जाएगी, उसके पास जाऊंगा तो मस्त धूप सेक रही है अपना, दूर से दिखाता हूँ एक बार। ये देखो कितनी मस्त तरह से लेटी हुई है इनोवा के ऊपर, कितनी क्यूट लग रही है। साहिल मत छेड़ियो। अरे मत छेड़ यार, ले भाग गई ना, कह रहा था ना मत छेड़ियो, अच्छी वाली बैठी थी यहाँ। तो फिलहाल यहाँ बैठ गई है, देख रहे कैसे देख रहा है बाहर। ओए ओरी, ऐसे क्या देख रहा है बाहर? बिल्ली को देख रहा है। इसका देखना इसलिए बंद कर रखा है ना, अगर कोई डॉग जाता है फिर बिल्ली आती है ना, इतनी तेज भौंकता है ये। तो स्टार्टिंग में तो खुला ही था, कोई भी मतलब आता था ना, बार बार भौंकता रहता, बार बार भौंकता। तो अभी फिलहाल अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, जो कि राइडर गर्ल विशाखा ने दिया था हमको। गैस करो पीस क्या हो सकता है, शुभम बताएगा, शुभम क्या होगा? पीस है इसमें, पीस। हाँ पीस, पीस सिर्फ एक ही सिंबल। ये पीस पीस पीस, ओबे ओ भाई ऐसे लग रहा है इसके अंदर है। देखो 3D है गाइस, एंगल चेंज हो रहा है। तो गाइस इसको हम लगाएंगे यहाँ पे, पीयूष के गेमिंग पीसी के ऊपर यहाँ पे, ताकि अगर ताकि जब भी पीयूष गेम खेले, अगर ये हार जाए, इसको फ्रस्ट्रेशन हो, तो इसको देख के एकदम से पीस लगे, इसको गुस्सा आए। तो सबके लिए मम्मी जी ने चाय बना दी है, पहले शुभम को देके आता हूँ। लो एडिटर साहब, तूने पीनी है क्या? पीनी है? तो अभी गाइस 4 बजने वाले हैं और पानी भी आने वाला है, तो आज हम धोएंगे थार को, कल हमने फॉर्च्यूनर धोई थी। तो अब इसको उठा के यहाँ पे थार लगा देता हूँ मैं, क्योंकि पानी आता है सिर्फ 15 मिनट के लिए, तो 15 मिनट में हमको थार धोनी है। टाइम तो नहीं लगता, 5 मिनट लगता धोने में। तो आज हम आपको बताते हैं कि हाउ टू वॉश योर कार। सबसे पहले तो पानी मार दो इस तरह से, उसके बाद फिर एक कपड़ा लो और सो और पोंछ दो बस। तो अभी थार तो मस्त चमका दिया हमने, लेकिन मेरी पैंट पूरी गीली हो चुकी है नीचे से, तो ठंडा लग रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन मजा आता है खुद की गाड़ी धोने में ना। अरे मेरी चप्पल कहाँ है? फिर गीली चप्पल गाड़ी नहीं, मैंने गीली चप्पल गीली हो गई। मेरी मम्मी मेरी चप्पल दो यार, आप पूरे भर पड़े हो, चप्पल दो। दूसरी हाथ दे रही हूँ, रखी कहाँ आपने? गीले हो नहीं देती मम्मी यार, कुछ नहीं होता, पूरे भरे पड़े है, ये बुखार लग जाएगा तेरे को, पूरे गीले है वो, सूखते भी नहीं है वो चप्पल। तो गीले है तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता। तू कहना गीले मानता है? मम्मी मैं डाल दो यार। नहीं दूसरे डाल दे, कोई जरूरत नहीं है, जूते डाल, मोजे डाल पैरों में, अब जूते मोजे डाल वाला क्या है ये, जूते घर में कौन डालता है जूते? जूता डालना, जूता चप्पल दूसरे दे देती हूँ तेरे को, वैसे नहीं कह रही, पूरे गीले है, वही गीलापन तो लगता है ठंड का। मैं कह रही मोटे जुराब डाल ले, और उसके बाद से अभी जा कहीं भी जाएगा जूता डाल लियो, चप्पल है ही नीचे, जा अक्कल नहीं है तेरे को, दूसरे चप्पल डालनी चाहिए पानी में। तो दूसरे चप्पल है ही नहीं, मिल रहे क्यों नहीं है उसके अंदर, इतने चप्पल है, चल मैं देखो दूसरे चप्पल डाल ले, जाते दूसरे चप्पल से मेरे पैर कट जाते हैं ना, फिर इसके अंदर है चप्पल, यहाँ ये सिलेंडर थी, एक चप्पल लेना ले थे। और भाई कैसे हो? नमस्कार। तो अभी गाइस हम देख रहे थे कोई लैंड यहीं पे सोसाइटी में ही, भैया कर रहे हैं कुछ जुगाड़ कि हम यहीं पे घर बना लें। तो गाइस इसका नाम है स्नोई, हमारा पड़ोसी ओरियो का फ्रेंड रूडो। ये जो एरिया है ना, ये भी हमारी सोसाइटी का ही है, देखो यहाँ पूरा खाली खाली पड़ा हुआ है, तो अगर हमको यहीं पे कोई मिल जाए ना। तो अभी हमने सोसाइटी के अंदर लैंड तो देख लिया, अब उनसे बात करनी है जिनकी ये है। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं स्टूडियो देखने के लिए। मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कोई घर मिल जाए, मतलब नॉर्मल घर हो, उसी को मैं अपना स्टूडियो बना लूँगा। कोई पर्टिकुलर स्टूडियो के लिए स्पेस नहीं चाहिए,
क्योंकि घर में किचन वगैरह मिल जाएगा मुझे सब कुछ, वॉशरूम वगैरह अच्छे से। तो अभी गाइस मैं रेडी हो गया हूँ, जैकेट डाल ली, मम्मी ने जैकेट डलवा दी, वैसे मुझे गर्मी लग रही थी बट फिर भी मम्मी कहने मैंने डाल ली है। फिलहाल मम्मी यहाँ सब्जी काट रही है, आज गडेरी की सब्जी बनेगी। बस जो घर हम देखने जा रहे हैं ना वो फाइनल हो जाए और अच्छा सा हो स्टूडियो के लिए, फिर से आएगा ना। देखो अभी हमारे घर में कितने सारे लोग हैं, पीयू, साहिल, मैं, अम्मा, बाबू, मम्मी, पापा, ठीक है। अम्मा और बाबू को यहाँ सोना पड़ता है चारपाई पे, इस वाले रूम में साहिल पीयूष होते हैं, उसमें मैं और इधर मम्मी पापा। अभी चाचा चाची भी आने वाले हैं, चाचा चाची के लिए भी अलग से चाहिए। बढ़िया, ये तो पूरा घर है ये एरिया। हाँ घर टाइप घर ही है पूरा, किचन भी है, किचन में से ये कुछ खाना पीना बनाना अपने को साथ साथ में, किचन भी ठीक है और क्या है, डाइनिंग टेबल भी है। तो गाइस ये वाला स्टूडियो को काफी पसंद आ रहा है क्योंकि मतलब काफी एरिया है इसके अंदर, चार रूम है, किचन है, सब कुछ है, तो हम यहाँ पे अपना स्टूडियो बना सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं इनके ओनर से बात करने के लिए जिनका एक घर है ना, तो अब चलो चलते हैं। तो अभी हम इनके घर पे आए थे, क्या नाम आपका? अभिनव। ये पूछ रही कैमरा फ्लिप किस तरह से करते हो, ऐसे कर दिया, ऐसे जल्दी जल्दी करना पड़ता है, फिर वो एडिटिंग में आप क्रॉप कर देते हो। हाँ ऐसे जैसे एकदम से आप पे आ गया, फिर एकदम से मेरे पे आ गया, ऐसे कई बार गिर भी आता है ऐसे। तो अभी थार की लाइट्स में सबके हाथ में फोटोज ली जा रही हैं, यहाँ हमको सब्सक्राइबर मिला, हमारे कुछ बच्चे। तो अभी हम गए थे जिनका वो घर था ना उन्हीं घर पे, तो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और उनके बच्चे वच्चे सब हमारे सब्सक्राइबर ही थे, तो काफी अच्छा लगा। तो इसी खुशी में अब चलते हैं चाप खाने के लिए, पीयूष तो है नहीं, पीयूष मिस कर, लेकिन पीयूष की क्लास थी ना इसलिए पीयूष को नहीं ले गया मैं, कोई नहीं, आज पापा जी और दीयू भैया को खिलाएंगे फर्स्ट टाइम हमारी फेवरेट चाप, चलो ट्राई करो। ओलू सदा आगे हैं। तो आज गाइस काफी लेट हो गया, 9 बज गए, अब मम्मी रोटी बना रही है हमारे लिए, लेकिन मम्मी हमने स्टूडियो देख लिया है तो अब कल दिखाऊंगा, ठीक है, हम बात भी कराए उनसे, ठीक है, टेंशन मत लो, रहूंगा आपके पास ही, वो तो बस काम करने के लिए। यूजुअली 8 बजे तो हम खाना खा लेते थे, मम्मी 7 बजे बना लेती थी, 8 बजे तक खा लेते थे। अब आराम से अपना रेस्ट करो, ठीक है, गुड नाइट, हम खा लेंगे। फिलहाल अब डिनर करते हैं। पीछे आज हमने पता क्या खाया? चाप। तुझे कैसे पता? अंदर है मेरा दांत टूटा हुआ है, वैसे भी जलन हो रही है उसमें, मैं कैसे खाऊंगा? रोटी खाएगा? रोटी खाएगा? नहीं खा रहा। तो पीयूष ने अपना एक और दांत तोड़ दिया, एक कल तोड़ा था, एक आज तोड़ दिया। भाई ऐसे तो फिर सारे टूट जाएंगे, डेली तोड़ेगा तो, ऐसे दांत ऐसे नीचे वाला टूटा है, कल ऊपर वाला टूटा था, अब मत तोड़ियो भाई, जा तक के नीचे रख दे बिस्कुट। तो अभी गाइस रात के 11:26 हो चुके हैं और अभी तक हमारी बातें चल रही हैं फुल, बहुत बहुत सारा गप्पे मार दिया हमने, ज्यादा ही मजा आ रहा है। जो भी हमारा स्टूडियो बनने वाला है, जो भी हमारा नया घर बनने वाला है, उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे प्लान्स हैं, मतलब सोच के इतना एक्साइटमेंट सी लग रही है ना स्टूडियो के लिए, घर के लिए, तो मजा आने वाला है सही में, गुदगुदी हो रही है पेट में, गुदगुदी। सो भी गाइस रात के 2 बज चुके हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, भैया चले गए थे यहीं पड़ोस में ही गए हैं वो। तो फिलहाल इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। बाकी आज आपको मैंने स्टूडियो अच्छे से दिखाया नहीं, जो भी हमने देखा है घर ना वो मैं आपको अच्छे दिखाऊंगा, फाइनल हो जाए, उसकी साफ सफाई भी करनी है, उसमें काफ़ी काम करवाना है, प्रॉपर स्टूडियो बनाएंगे उसको, तो वो अच्छे से तब दिखाऊंगा। बाकी आज थोड़ा बहुत दिखा दिया मैंने आपको, किचन विचन सब है, मतलब घर है पूरा और उसमें 4 रूम है, तो साहिल पीयूष मैं सब रह सकते हैं उसमें अच्छे से, और काफ़ी कुछ मेरे प्लान है, तो देखते हैं जो भी रहेगा। फिलहाल इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाइस पीयूष ने अब सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बना दिया है। आप लोगों को पता होगा ये है कि पीयूष का गेमिंग चैनल बन चुका है 2022 का फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल पूरे वर्ल्ड में। बधाई बधाई हो।